तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की शुरू में हम आपके लिए के आ चुके हैं यहाँ पर धनतेरस और दीपावली के बहुत बड़ी यहाँ पर एमपी के सभी यहाँ पर लाभार्थी को जिन्होंने यहाँ पर लाडली बहन आवास योजना के तहत आवेदन किया था, साथ ही लाडली बहन योजना के तहत जो 18वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। और साथ ही अभी आपको जानकारी दी किसानों को कब मिलेगी उनकी 10वीं की किस्त, किसान कल्याण योजना की जो है 10वीं किस्त कब मिलेगी, ये भी इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी अब देने वाले हैं। आप किसी फेक यूट्यूबर के यहाँ पर बातों में ना आइए कि इस दिन आएगा करके आपको घुमाते रहते हैं, हमको डिटेल में बताएंगे। और ये अभी नहीं भी आएगा इस दिन तो भी हम बताएंगे कि आपको क्लियर ही कर देंगे इस वीडियो के माध्यम से कब आएगा यहाँ पर किस्त। तो आपको यहाँ पर बताते चले, इस चैनल पर आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे सरकार की तरफ से जो भी है सरकारी योजनाएं आएगी और सरकारी योजना के साथ साथ जो भी सरकार तरफ से योजना से यहाँ पर रिलेटेड अपडेट्स आएगी तो आपको चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा सबसे पहले, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। अब आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ से वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं लाडली बहन योजना की जो 18वीं किस्त है वो कब रिलीज़ होगा और कितना रिलीज़ होगा, ये आपको हम बताते हैं। 17वीं किस्त है पर जो भी लाभार्थी हैं जिनको यहाँ पर लगभग 1 करोड़ लोग महिलाएं उनको यहाँ पर लाभ मिला है सरकार की तरफ से, इसमें जो है 1 करोड़ से भी ज़्यादा महिलाएं इसमें शामिल है दोस्तों। तो हम बता सकते हैं तो उनको जो है 17वीं किस्त सरकार की तरफ से खर्च चालन या फिर आर्थिक मदद के रूप में एक लाडली बहन योजना के अंतर्गत जो किस्त 17वीं किस्त सरकार ने यहाँ पर रिलीज़ कर दिया है सभी बहनों के खाते में डीबीटी के माध्यम से जो सभी बहनों के खाते में, लेकिन अब बारी है 18वीं किस्त को रिलीज़ करने की जिसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। साथियों हम ये नहीं करें कि आज ही रिलीज़ होगा, इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है दोस्तों। 1 क्लिक के माध्यम से सरकार इसको किस्त को रिलीज़ करती है, आपको पता होगा। ऐसी मैंने जो 17वीं किस्त में 1250 रुपये जिनको मिले हैं, ये वीडियो आपके लिए है। आपको जानना है कि 18वीं किस्त कब मिलेगा और कितना मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम क्लियर करने वाले हैं। तो पर आगे बढ़ते हुए बताने वाले हैं, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं लाडली बहन योजना की जो 18वीं किस्त इस साल में आपको डिटेल में देने वाले हैं दोस्तों। तो साथियों जैसे कि आप देख सकते हैं लाडली बहन की जो 18वीं किस्त वो इंस्टॉलमेंट है वो कब रिलीज़ होगा, और साथ ही ये कई लोगों का सवाल है कि सर कितना रिलीज़ होगा। कमेंट में पूछते हैं कि इस बार की आर्थिक राशि में बढ़ोतरी की जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में आपको पता है दिवाली है और साथ ही यहाँ पर कई सारे भाई दूज, यहाँ पर कई सारे त्यौहार, तो आपको पता होगा कि जो क्रम अनुसार यहाँ पर 17वीं किस्त जो बेनिफिट किस्त है वो यहाँ पर आपको जारी होता है 5 से 10 तारीख के बीच में। आपको 10 तारीख तो अंतिम होता है, 5-10 तारीख के खाते में बहनों के खाते में 10 तारीख अंतिम होता है, तो अब 10 तारीख के बीच में जो है रिलीज कर दिया जाता है। तो हम आपको नहीं बोलेंगे कि अक्टूबर में किस्त रिलीज होगा, आपको बता दें इसका जो किस्त है वो नवंबर में ही रिलीज होगा दोस्तों। इसका जो 18वीं किस्त है वो नवंबर में हो सकता है, आपको 2 नवंबर को आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2 नवंबर को भाई दूज है, यहाँ पर हो सकता है आपको 1 ही नवंबर को इसका जो किस्त है देखने को मिल सके। साथियों तो डॉक्टर मोहन यादव में माननीय हमारे मुख्यमंत्री हैं एमपी के, ऊपर यहाँ पर जो 17वीं किस्त सक्सेसफुल यहाँ पर कर दिया है, सभी बहनों के खाते में रिलीज कर दिया है। जहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर बारी देते हैं 1 नंबर या 2 नंबर को आपको किस्त रिलीज हो सकती है सरकार की तरफ से, अभी तो कोई भी अपडेट नहीं आया साथियों डेट को लेकर। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपके मन में सवाल है कि कितना किस्त रिलीज होगा, ये आपको बताते चले। तो लाडली बहन योजना के तहत यहाँ पर देख सकते हैं शुरुआत इसके तहत आपको पहले 1000 रुपये दे दिया जाते थे, लेकिन अब इसके राशि को बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिए हैं। लेकिन आपको पहले आपको पता होगा जो 15वीं किस्त है वो सरकार की तरफ से 250 रुपये एक्स्ट्रा त्यौहार के रूप में यहाँ पर दिए गए थे लाडली बहन को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर, जिसका यहाँ पर माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर देख सकते हैं शिवराज सिंह चौहान ने इसको शुरू किया था, और इसका जो उन्हें आश्वासन दिया है सभी बहनों को इसका जो खाते राशि है वो बढ़ते जाएगा, 3000 रुपये तक इसका राशि होगा। लेकिन अब बताते चले अभी तक आपको 1500 रुपये होने की अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं मिला है दोस्तों, तो आपको 1250 रुपये ही दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। जैसे ही रिलीज होता है कितना किस्त डलेगा या फिर इस डेट को डलेगा आपको चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप यहाँ पर किसी को बातों में बिल्कुल मत जाइए। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं लाडली बहन को जो है आवास योजना के अंतर्गत, यानी कि एमपी की आवास योजना है, बहनों को जिनके पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है उनका जो है आवेदन के लगभग 5 लाख लगभग आवेदन करता है उनको यहाँ पर कब किस्त यहाँ पर सरकार देगी, पहली किस्त जो है कब देगी। अब ये सवाल है लाडली बहनों के लिए कि यहाँ पर देख सकते हैं लाडली बहनों को कई सारे यहाँ पर कई बहुत समय से आवेदन कर चुके हैं लेकिन अभी तक यहाँ पर किस्त नहीं आएगी, तो कब किस्त आएगा। राज्य के लाखों महिलाएं यहाँ पर देख सकते हैं जो बहनें हमारे उन्होंने यहाँ पर किस्त से बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, उन्होंने
किस्त का इंतजार है कि किस्त कब रिलीज होगा और कितना रिलीज होगा। अच्छी खबर ये है कि इसका जो सर्वे है एमपी में यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। साथियों आपको बताते चले इसका जो सर्वे है यहाँ पर चल रहा है, जैसे ही सरकार की तरफ से सर्वे खत्म होता है इसको लेकर जल्दी किस्तों को लेकर अपडेट सामने निकल के आ जाएगा। दोस्तों माननीय हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव इसको जो है बहुत सारी काम कर रही है, इसका काम जो शुरुआत हो चुका है, पहली किस्त आपका ट्रांसफर जल्दी करने वाली है, इसलिए हम नहीं बता सकते कि सरकार अभी तक कोई भी डेट रिलीज नहीं किया है साथियों, क्योंकि हम बता दें कि अक्टूबर में आ सकता है इस डेट को, तो ये फेक न्यूज हो सकता है साथियों। अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी यहाँ पर एग्जैक्टली जो है डेट अभी रिलीज नहीं किया है। तो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर दे देते हैं पात्रता, यानी पक्के मकान के लिए आपको 1,30,000 रुपये दिए जाएंगे। आपके पास पक्के मकान नहीं होना चाहिए, कच्चे मकान होना चाहिए, तब आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। पहली किस्त आपको पात्रता सूची यानी कि आपका लिस्ट है वहाँ पर देख लेना, आपका लिस्ट जारी हो चुका है। दोस्तों आपने अभी तक लिस्ट नहीं देखा तो कमेंट बताइए, हम आपको लिस्ट भी कैसे देखना है बता देंगे। सबसे पहले आपको याद रखना आप मध्य प्रदेश के निवासी होना चाहिए और इसमें 5,00,000 आवेदन करते हैं वही इस लिस्ट में नाम होना चाहिए, उनका ही लिस्ट में नाम होगा वही इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। जैसे तो सबसे पहले उन्हें मिलेगा जीएम पीएम आवास योजना का, तो अभी तक लाभ नहीं मिला है। ये लाडली बहन योजना सरकार ने यहाँ पर उन्हीं के लिए शुरू किया है जिनको पीएम आवास योजना के अंतर्गत अभी तक लाभ नहीं मिला है। जो आवासहीन है जिनके पास आवास नहीं है उनके लिए खासतौर पर योजना की शुरुआत की है। इसका जो किस्त है वो जल्दी रिलीज होगा सरकार की तरफ, जैसे ही पर इसको लेकर अपडेट आता है चैनल को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा साथियों। तो इसको लेकर जल्दी अपडेट निकल के आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है एमपी किसान के तरफ से यहाँ पे किसानों की सहायता के लिए यहाँ पर सरकार की तरफ से शुरू किया गया एक योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, जिसके यहाँ पर 6,000 रुपये वित्तीय मदद की जाती है, बस भेजी जाती है डीबीडी के माध्यम से 6 महीने के अंतराल में, यानी कि हर 6 महीने 2,000 रुपये सभी किसान भाइयों के खाते में एमपी की सरकार भेजती है डीबीडी के माध्यम से। जैसे उसका 9वीं किस्त आपको रिलीज हो भी चुका है, आपको पता होगा कि इसका 9 किस्त भी रिलीज हो चुका है। किसान कल्याण की 10वीं किस्त अक्टूबर में नहीं आएगी, हम आपको फेक न्यूज नहीं देंगे। दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर जुलाई में जारी हुआ था 5 जुलाई को, अब यहाँ पर एक किस्त हो सकता है कि लाडली बहन योजना की जो 18वीं किस्त के साथ ही इसका जो किस्त है नवंबर में रिलीज हो, तो आपका जो इसका जो किस्त है वो नवंबर में ही रिलीज होगा, आपको अक्टूबर में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर दूसरे 5 जुलाई को इसका 9वीं किस्त रिलीज हुआ था, अब यहाँ पर 81 लाख जिसमें किसान यहाँ पर भाई शामिल हुए थे 9वीं किस्त के दौरान, अब यहाँ पर 10वीं किस्त आपको यहाँ पर हो सकता है लाडली बहन के साथ ही मिल सके, या फिर आपको नवंबर में आपको 1 से 10 तारीख के बीच में आपको देखने को मिल सकता है साथियों, जिसमें अपन भाई लोग किसान भाई 81 लाख किसान शामिल है, जिसमें आपको पहले 6,000 रुपये दिए देखने को मिलता था लेकिन अब इसको बढ़ाकर जो है कर दिया है 6,000 रुपये, जो कि 2,000 रुपये 4-4 महीने के अंतराल में, साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि ये भी 4-4 महीने के अंतराल में 6,000 और इसका भी 6,000, यानी कि एमपी की सरकार और अपन केंद्र की सरकार दोनों मिलाकर 12,000 रुपये सालाना यहाँ पर सरकार यहाँ पर किसान भाइयों को मदद के रूप में आर्थिक मदद के रूप में देती है। और साथ ही हमारे बहनों को लाडली बहन योजना को भी 1,250 रुपये प्रति माह दे आ रही है, पहले 1,000 था इसका रोजाना।